नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के ढिका मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास ऐतिहासिक शिव मंदिर बीती रात तोड़ा जा रहा था जेसीबी की मदद से। उसको लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया था, लेकिन सच्चाई सामने के आने के बाद विवाद पूरी तरीके से शांत हो गया। मोहल्ले वालों ने चंदा एकत्र करके नए मंदिर बनाने का निश्चय किया था, जिसकी वजह से पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा था। बीती देर रात मंदिर तोड़ने का विवाद सत्यता सामने आने के बाद हुआ समाप्त। रीवा के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास ऐतिहासिक शिव मंदिर को लेकर उठा तूफान शांत हुआ। मंदिर जीर्णोद्धार की तैयारी के दौरान मंदिर के गुंबद को तोड़ा जा रहा था। मोहल्ले वाले मिलकर भव्य मंदिर बनाएंगे, इसके लिए पैसा भी इकट्ठा किया। बीती रात जैसे ही ऐतिहासिक शिव मंदिर के गुंबद को तोड़ने की खबर वायरल हुई, मौके पर काफी लोग पहुंच गए थे। मंदिर को हटाए जाने का जमकर विरोध किया। विरोध के दौरान रीवा शहर के तमाम थाने की पुलिस भी प्रशासन ने मौके पर बुला ली थी। बामुश्किल विवाद शांत किया गया। मोहल्ले में कमेटी बनाकर सभी के सहयोग से मंदिर निर्माण की बात सामने आने के बाद विवाद पूरी तरीके से शांत हो गया। भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण रीवा ढेकहा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास नए सिरे से किया जाएगा। भव्य निर्माण। बारिश के समय नाली का गंदा पानी भरता था मंदिर के अंदर। कॉलोनी के लोग निर्माण में कर रहे सहयोग। मंदिर को तोड़कर नए मंदिर के निर्माण की बात आई सामने। घंटों चला ड्रामा, फिर सत्यता जानने के बाद मामला हुआ शांत। हम आपको बता दें, रीवा में सन 1984 में भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कराया गया था, शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा तिराहे भाजपा कार्यालय के पास। उस दौरान रीवा से चुराटा की सड़कें काफी नीचे थी, मंदिर की ऊंचाई सड़क से ऊपर थी। मगर धीरे धीरे सड़क निर्माण के दौरान सड़क 5 फीट ऊंची हो गई, जिससे मंदिर सड़क से नीचे चला गया, जिसकी वजह से नाली व सड़क का गंदा पानी बारिश के समय मंदिर के अंदर आने लगा, जिसको लेकर मोहल्ले में एक समिति बनाई गई। समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया, इस मंदिर को गिराकर इसी स्थान पर बड़ी नई भव्य मंदिर का बनाया जाए, जिससे सड़क से मंदिर ऊंची हो जाए, नाली का गंदा पानी भगवान के पास ना पहुंचे, जिसको लेकर मोहल्ले वालों ने मीटिंग की। सभी ने एकत्रित होकर पैसे इकट्ठा किए। जब पैसे इकट्ठे हो गए तो बीती रात जेसीबी मशीन के माध्यम से मंदिर को गिराने का प्रयास किया। उसी स्थान पर नई मंदिर के निर्माण करने की योजना बनाई, जिसके लिए सभी ने मिलकर लगभग 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठे भी कर लिए थे। मंदिर के निर्माण के लिए जेसीबी की मदद से मंदिर गिराया जा रहा था। उसी दौरान काफी लोग इकट्ठे हो गए, फिर चला घंटों बवाल। भारी संख्या में शहर के सभी थानों का पुलिस बल पहुंचा, स्थिति को नियंत्रण में किया। कुछ देर बाद सभी को जब सत्यता पता चली तो धीरे धीरे इकट्ठा हुआ भीड़ कम हो गई, मामला शांत हो गया, सभी अपने घर की तरफ चले गए, सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया। एक कमेटी का गठन किया गया है, जो मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर चंदा इकट्ठा कर भोलेनाथ का मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं, इसके लिए मंदिर तोड़ रहे थे। सुनिए सिविल लाइन TI क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे ढेका तिराहे में मंदिर का गिरा के पुनर्निर्माण कार्य हो रहा था, फिर क्या था पूरा मामला, काफ़ी बवाल हुआ था। सूचना प्राप्त हुई थी कि ढेका तिराहे पे प्राचीन शिव मंदिर था, चूँकि जीर्ण शीर्ण हो चुका था, तो कुछ लोगों ने वहाँ प्लान करके उस मंदिर को नया बनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए प्लान किया था। चूँकि मंदिर का निर्माण कार्य आज से उन लोगों ने शुरू किया था, जेसीबी के माध्यम से उसके क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ने का काम हो रहा था। वहाँ जो कुछ लोगों ने अचानक देखा तो ये प्रतीत हुआ लोगों को कि मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उन लोगों ने उसका विरोध किया, थाने में सूचना दी, थाने को सूचना दी, पुलिस बल मौके पर पहुँचा, SDM साहब आए, CSP साहब, SDOP साहब और पुलिस बल पहुँचा। लोगों से जब चर्चा की गई तो ये पता चला कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार के हिसाब से इसको तोड़ा जा रहा है, न कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सद्भावना पूर्वक मंदिर को नया निर्माण करने का इनका उद्देश्य था। जो विवाद की स्थिति थी वो विवाद शार्ट आउट हो गया है और सारे दोनों पक्ष के लोग जो विवाद कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो लोग मिल करके वहाँ पे एक नया मंदिर, अच्छा मंदिर बनाने के लिए संकल्प लिए हैं। ताज़ातरीन खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।